वेल हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड राजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेटर। वेल गाइस, आज हमारे साथ है इंटरसेप्टर 650 और आज हम इस वीडियो का टॉपिक है जो कि प्रॉस एंड कॉन्स इसके क्या हैं और डेली यूज में कैसी है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स स्टार्ट इट। Well guys, let's get back to our topic, and the shot was very good. If you like this, please press the like button. So let's talk about the pros of this bike. तो पहला जो चीज़ मुझे इसमें बाइक में सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है वो इसका इंजन यार, जो काफ़ी इंजन बहुत अच्छा बनाया रॉयल इनफील्ड ने, जो पहला पैरेलल ट्विन इंजन उन्होंने प्रोड्यूस किया, काफ़ी अच्छा इंजन पे वर्क किया है। गाड़ी पे जो वाइब्रेशन है वो बहुत कम हो गई है और जो टॉर्क फील होता है आप थ्रॉटल जब लेते हो जो बहुत अच्छा टॉर्क फील होता है आपको इस पर, और अगर आप 120 पे चल रहे हो तब भी इसमें दिक्कत नहीं आती, मतलब आप हाई स्पीड्स पे भी हो तब भी वाइब्रेशंस बहुत कम लगता है। एंड इफ़ यू कैन, और जो सिटी में भी 40 to 45 चल सकते हो इजीली, तो बाइक जो बहुत अच्छी वर्क करती है। इंजन जो इसका बहुत प्यारा है, आई लाइक द इंजन पार्ट ऑफ दिस बाइक। वेल लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड प्रॉस ऑफ दिस बाइक। तो जो सेकेंड दूसरी चीज़ है जो मुझे अच्छी लगी वो इसकी ब्रेकिंग्स, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है, ब्रिलियंट और एकदम बढ़िया वाली ब्रेकिंग जो लगती है, काफ़ी अच्छा और इसका परफॉर्मेंस है। ब्रेक्स जो बहुत अच्छी से ब्रेक्स वर्क करती है इस बाइक पे। वेल द तीसरी चीज़ है इस बाइक में मुझे पसंद है वो इसकी प्राइसिंग है यार। इसकी प्राइसिंग काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी है, और 300cc कैटेगरी की प्राइसिंग में आप 600cc लेते हो, इससे अच्छा क्या होगा। सो आई लाइक द प्राइसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द रॉयल एनफील्ड ऑल्सो इन दिस मशीन। एंड द फोर्थ वन और लास्ट वन यू कैन ऑल्सो से फ्रॉम माई साइड इज़ द बिल्ड क्वालिटी। द बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑलवेज ऑसम ऑफ द रॉयल इनफील्ड यार। बहुत ही मजबूत गाड़ी है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी रॉयल इनफील्ड ने इसमें दी है। वेल गाइज, दीज थिंग्स आर, ये वो चीज़ें थी जो मुझे इस बाइक में पसंद आई, तो बट कुछ चीज़ें भी ऐसी भी हैं जो पसंद नहीं आई। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ दिस बाइक, वॉट आई डोंट लाइक द थिंग। तो द पहला कॉन है, जो पहली चीज़ इस बाइक में मुझे पसंद नहीं है, और इसकी सीट है, सीट की जो कुशनिंग है वो और अच्छी हो सकती थी, थोड़ी कुशनिंग हार्ड है। और दूसरी चीज़ की हाइट यार, मेरे जैसे हाइट, अच्छी हाइट वाले बंदे को इस बाइक पर थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सीट हाइट बढ़ा देते तो ज़्यादा अच्छा था। सो पहला ये था, और लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग। तो दूसरा चीज़ जो मुझे इस बाइक में पसंद नहीं आया वो था इसका सस्पेंशन सेटअप, जो कि थोड़ा सा हार्ड है। सस्पेंशन सेटअप और सॉफ्ट रखा जाता तो ज़्यादा इफेक्टिव होता इन कंपैरिजन टू अभी जो चल रहा है, इसे थोड़ा सॉफ्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छे से वर्क किया जाएगा। थर्ड अगर बात करें तो थर्ड है इसका क्लच लीवर, जो कि बहुत ही हार्ड और थोड़ा सा वाइड है, तो उसे थोड़ा सॉफ्ट दिया जाए क्लच लीवर को, और थोड़ा सा पास में हल्का सा रख के जो ईजली यूज़ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्लच लीवर, ये सब चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से वर्क बना दें तो बाइक वर्थ इट है। तो इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कुछ गड़बड़ हो या कुछ गलत हो तो सॉरी, बट ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे प्रॉब्लम्स लगी। और अगर आप ये वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।